इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 18603 जो कि भागलपुर से रांची के बीच चलती है। इस ट्रेन का डिले मैंने कर दिया है विस्तार, तो चलिए इस अपडेट को करते हैं शुरू। से पहले आप हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। मिली जानकारी के अनुसार अब भागलपुर से रांची के बीच चलने वाली भागलपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे ने विस्तार किया है, क्योंकि इस ट्रेन पर जो मंथन चल रहा था उस बातचीत को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। गोड्डा से रांची के लिए ट्रेन परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए लोगों को कुछ दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी महीने के अंत तक लोगों को गोड्डा से वाया दुमका रांची के लिए डायरेक्ट ट्रेन का तोहफा मिल जाएगा। दरअसल इसकी मांग की जा रही थी कि जो ट्रेन भागलपुर से वाया क्यूल होकर रांची जाती है, इसका विस्तार गोड्डा तक किया जाए, और अब रेलवे ने विस्तार को हरी झंडी भी दे दिया है। और इसके साथ ही कहा है कि ट्रेन नंबर 18603 और 18604 डाउन की ट्रेन अब क्यूल होकर नहीं बल्कि गोड्डा होकर वाया दुमका रांची जाएगी। हालांकि यह ट्रेन कोविड के कारण बंद थी और इस मामले में सांसद पहले से ही बातचीत कर रहे थे और लगातार रेलवे बोर्ड को पत्र लिख रहे थे। रेल मंत्री के साथ साथ पूर्व रेलवे के GM ने भी इस ट्रेन को लेकर के बातचीत कही थी और अब उम्मीद है कि यह ट्रेन गोड्डा के रास्ते जाएगी। हाल ही के दिनों में रेलवे ने कुछ ट्रेनों का सौगात दिया है और इनमें से एक ट्रेन यह भी होने वाला है जो रांची दुमका इंटरसिटी को मेल देती है। यह ट्रेन चलने से अब गोड्डा के लोगों को डायरेक्ट ट्रेन मिल पाएगी, कहीं ट्रेन बदलना नहीं पड़ेगा और सुविधा भी पैसेंजर को मिलेगा। गोड्डा में रेल के विकास को लेकर गंभीर है जनता और साथ ही सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता है। भागलपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को GM स्तर से मंजूरी मिल गई है और कोविड लेकर यह ट्रेन फिलहाल बंद है। जब यह ट्रेन चलेगी तो भागलपुर गोड्डा होकर रांची चलेगी और गोड्डा वो इसके आसपास के सटे इलाकों को भी इस ट्रेन का सुविधा मिलेगा। बांका जिला के लोगों को भी रांची जाने में सहूलियत होगी क्योंकि यह ट्रेन इसी रास्ते से गुजरेगी। गोड्डा स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज रहेगा 2 से लेकर के 5 मिनट तक, और आने वाले टाइम टेबल में हम बात करेंगे इस ट्रेन का परिचालन कब से शुरू होगा और क्या रहेगा इसका सुविधा। तो ये था आज का डिटेल वीडियो अपडेट। ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपने हमें लेटेस्ट वीडियो के माध्यम से पूछा था कि भागलपुर रांची एक्सप्रेस का विस्तार कब से होगा। ऐसे में यह वीडियो अपडेट आपके लिए है। इस वीडियो कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।